सबको जय श्री की। मैं गुरदासपुर ज़िले के रहने वाला हूँ और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, वर्शिप कर रहा हूँ, कि परमेश्वर ने वो गिफ्ट मेरे अंदर डाला मेरे स्पिरिचुअल फादर की दुआओं के द्वारा, प्रेयर के द्वारा। मैं आज बहुत खुश हूँ अपने गौरव बट्टी भाई से मिलके, और मुझे पता चला कि ये परमेश्वर के नाम को कैसे फैला रहे हैं मसीह लोगों की गवाही के द्वारा। तो मैं वर्शिपर सुखविंदर, मुझे फादर साहब के अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ परमेश्वर का काम करते 17 साल हो गए हैं। 2005 से मैं उनके साथ मिला था, तो मैं वर्शिप कर रहा हूँ उनके साथ। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने ऐसे गिफ्टों को परमेश्वर को देखा है जो मैंने इमेजिन नहीं किए थे। उनके द्वारा, उनकी दुआओं के द्वारा परमेश्वर ने मेरे अंदर गिफ्ट डाले उनकी प्रेयर्स के द्वारा, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सो ब्रदर जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? मसीह के आने से पहले मेरी लाइफ बहुत, आप सोचो, इमेजिन करो कि नरक के जैसी मेरी लाइफ थी। मैं उन जगहों पे ऊपर गाता था, ऐसी जगहों के ऊपर मैं नाम नहीं ले सकता, तो उन्होंने, जिनके लिए मैं गाता था, उन्होंने मेरे को ऐसा जकड़ा हुआ था कि मैं किसी की नहीं सुनता था, किसी की नहीं मानता था। लेकिन जब मैं बीमार हुआ, इतना भयानक बीमार हुआ, तो मेरे को लगता था कि मैं हफ्ता मुश्किल निकालूंगा। और जब मेरे स्पिरिचुअल फादर मुझे मिले, बस्ती गुजा की बात है ये, 2005 की बात है, तो मैंने उनको बोला कि मैं बहुत बीमार हूँ, तो मैं जीना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की और मैं एक महीना ऐसे ही जाता रहा उनके चर्च, जहाँ में वो संगत करते थे। तब वो पास्टर नहीं थे, वो भी विश्वासी थे। उन्होंने दुआ की मेरे लिए, एक महीना मैं जाता रहा। मैंने उनको नहीं बताया एक महीना कि मैं सिंगिंग करता हूँ। तो जब मैंने उनको एक महीने बाद बताया कि मैं सिंगिंग करता हूँ, उन्होंने कहा तू कहाँ सिंगिंग करता है? तो मैंने कहा मैं इन जगहों पर जाता हूँ, तो मैं सिंगिंग करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब तू परमेश्वर के लिए गाएगा, तब तू लंबा जिएगा। ये उनके वर्ड थे मेरे लिए। तो मैं परमेश्वर के लिए गा रहा हूँ, परमेश्वर की वर्शिप को आराधना कर रहा हूँ। तो तब का मुझे पता ही नहीं बीमारी क्या होती है। मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि क्या बात है, मैं खुद हैरान हूँ। मेरी 40 साल के करीब एज हो चुकी है, तो परमेश्वर ने मुझे बहुत स्वस्थ तंदुरुस्त रखा है। ये उनके वर्ड है, उनका ये उनकी प्रेयर है मेरे लिए कि मैं आज जी रहा हूँ लंबा। उनके वर्ड हैं, हालेलुया। सो ब्रदर जी, जब आपने मसीह के लिए गाना शुरू किया, तो वो पहला सॉन्ग जो आपने स्पिरिचुअल फादर के सामने गाया, वो कौन सा था? जो पहला सॉन्ग मैंने अपने फादर के साथ गाया था, जब मैंने उनको बताया कि मैं सिंगिंग करता हूँ, वो पंजाबी सॉन्ग है, यस्सु मसीह ने खाक चो चुक पतवंता विच बिठाया, धन्यवाद यस्सु दा, धन्यवाद यस्सु दा। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस सॉन्ग ने मेरे को ऊंचा उठाना है, जो मैंने अपने फादर के साथ गाया है। मुझे तब नहीं पता था कि उनके द्वारा ही मुझे इतनी इज्जत मिलनी है, इतने मुझे गिफ्ट मिलने हैं जो मेरी समझ के बाहर हैं। आज मैं इतना ब्लेस हूँ कि मैं मैंने सोचा भी नहीं था। सो ब्रदर जी, जैसे आप बता रहे थे कि आपको बीमारी थी कोई? जी, बीमारी थी मुझे। तो जब आप स्पिरिचुअल फादर से मिले, जब आप मसीह में आए, तो उसके बाद आपको कितने साल हो गए अभी उस बीमारी से आज़ाद हैं आप? अब मेरे को, जब उनके साथ मिला था, मैं 6 महीने साल तक बिल्कुल ठीक हो गया था। जो मेरी पाचन क्रिया थी वो ख़त्म हो चुकी थी। मैं एक भी रोटी पाचन नहीं कर सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता था, इतना बीमार था। तो मुझे पीलिया भी था और मुझे लगता था मैंने मर जाना है। 6 महीने साल तक मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गया था उनकी दुआओं के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, उनके वर्ड्स के द्वारा। हालेलुया। सो ब्रदर जी, जिस तरह जब आप मसीह में नहीं थे प्रॉपर, तो उस टाइम पे आपके घर के हालात कैसे थे? उस वक्त गरीब थे, मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, बहुत मुश्किलों से उन्होंने मेरे को पढ़ाया लिखाया, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज भी वो हैं, 80-85 साल के मेरे पापा हैं, 80-85 साल के मेरे मम्मा हैं,
तो वो जी रहे हैं परमेश्वर के फजल से, और परमेश्वर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो ब्रदर जी जैसे मसीह में आने के पहले लाइफ और अब वाली लाइफ, इसमें आप क्या अंतर देखते हैं? जो पहले वाली लाइफ थी उसमें शांति नहीं थी, जो मैं कमाता था ख़त्म हो जाता था सारा कुछ, तो कुछ भी बना नहीं पाता था। अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी मैरिज भी हुई एक मसीह लड़की से, जो क्रिश्चियन लड़की है वो भी, उससे मैरिज हुई, दो बच्चे हुए मेरे उनके साथ, मैं बहुत खुश हूँ। तो ब्रदर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक बंदा मसीह में आता है तो जैसे वो मसीह में बढ़ना शुरू करता है तो कई बार क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम, कुछ तकलीफ़ें उसकी ज़िंदगी में आती हैं, तो उस चीज़ को देखकर कुछ लोग होते हैं जो छोड़ जाते हैं मसीह को, वो फिर से बैकस्लाइड हो जाते हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा हुआ? मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ, और जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे स्पिरिचुअल फादर बहुत बार बताते हैं स्टेज पे कि तुम पानी में से होके गुजरोगे लेकिन पानी तुम्हें डुबो नहीं पाएगा, आग में से होकर तुम चलोगे लेकिन आग तुम्हें जला नहीं पाएगी। और ये वचन मेरी लाइफ में काम करता रहा। बहुत मैंने तंगियां, मुसीबतें देखी मैंने मसीह में आके भी, लेकिन मैं डरा नहीं, घबराया नहीं, परमेश्वर में खड़ा रहा, अड़ा रहा। आज मैं अगुवाई के साथ वापस आया हूँ, तो आज मैं आशीषित हूँ, बहुत आशीषित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ब्रदर जी, कोई ऐसी घटना आप बता सकते हैं कि जब आपको सबसे ज़्यादा ऐसे लगा हो कि नहीं यार अब तो बस, अब तो हद हो गई है? बिल्कुल मुझे लगा, मैं मुझे कम से कम 20 साल जलंधर में रेंट पे हो गए थे, तो मैं सोचता था यार, लेकिन फादर कहते थे कि स्वर्ग मिस मत करना, कुछ भी मिस हो जाए, तो मेरा घर नहीं था, मेरे बच्चे भी, मैंने कहा यार कुछ नहीं, ना मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो लेकिन जो फादर वचन देते थे बाइबल में से, वो वचन मेरे को खड़ा रखते थे। आज लेकिन मेरे पास प्लॉट भी है जिसकी वैल्यू 18 लाख है, और गाड़ी भी है मेरे पास, 6-7-8 लाख की गाड़ी भी है, तो परमेश्वर ने ऐसे मुझे आशीषित किया है, मैं इमेजिन नहीं किया था इन चीज़ों को। मेरे दादे परदादे, मेरे नानकियों में भी कहीं किसी ने भी गाड़ी नहीं देखी थी, ऐसी बरकतें नहीं देखी थी जो मैं आज बरकतें देख रहा हूँ, जो मैं शांति देख रहा हूँ, इत्मीनान देख रहा हूँ, वो किसी ने नहीं देखा था पहले। सो ब्रदर जी, जिस तरह हम देख रहे हैं कि पंजाब में, इंडिया में जो क्रिश्चियनिटी है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि तो वचन में लिखा है कि जब तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, और जिस तरह से लोगों को अब सच्चाई पता चल रही है और लोग परमेश्वर में आ रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं जी। तो उसी तरह से कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये पैसे दे के क्रिश्चियन बनाते हैं, पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं, तो आपने कभी अपनी 17 साल की सेवकाई में ऐसा देखा हो कि कभी पैसे दे के किसी का धर्म परिवर्तन किया हो? देखो कितनी दुनिया बातें हैं, सवाल भी उतने उठते हैं ना, कितने फेस हैं, सवाल भी उतने उठते हैं, लेकिन हर कोई दिमाग अपने अपने तरीके से चलाता है। कुछ कौमें बहुत अच्छी कौमें हैं, और मैं किसी का नाम नहीं लेता, और 2-4 बंदे होते हैं जिसमें वो अपनी कौम का नाम ख़राब करते हैं ऐसी बातों को करके, जेलसी करके परमेश्वर के लोगों से। कुछ शैतान जो है जेलसी करेगा, परमेश्वर के लोगों से जेलसी करेगा। बाइबल में लिखा गया है कि जो आत्मा का जन्म है उसे शरीर का जन्मा हुआ सताएगा, ऐसी बात होती है। लेकिन हम खुश रहते हैं, हम तो हमारे स्पिरिचुअल फादर भी यही कहते हैं कि ये जो लोग कर रहे हैं ना, हमारा विरोध कर रहे हैं, मसीहत का विरोध कर रहे हैं, ये हमारी बढ़ोतरी के लिए ही है, परमेश्वर के नाम को फैला रहे हैं। जिन जगहों में हम नहीं जा सके, जिन एरियों में, वो यूट्यूब के द्वारा उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर दिया, वहाँ पर पहुँचा दिया, तो हम खुश हैं उनसे भी। सो ब्रदर जी, जिस तरह कुछ लड़के और लड़कियाँ जिनके दिल में ये है कि हम ब्रदर सुखविंदर जैसे बने या वर्शिपर बने, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये है उनके लिए कि अगर आप जिस चर्च में जाते हैं, लेकिन आप जीवित चर्च में जाओ जहाँ में परमेश्वर के काम होते हैं, यहाँ पे सचमुच हीलिंग होती है, कोई ड्रामा नहीं होता, यहाँ पे सचमुच वर्शिप होती है रूह और सच्चाई से, यहाँ पर सच में हीलिंग होती है, सच में दुनिया की लाइफ चेंज होती है, लोगों के बच्चे जो नशों में थे
आज उनके बच्चे नॉर्मल हैं और वो कितने खुश हैं। ये जीवित चर्च है, जीवित चर्च का हिस्सा बनो, वहाँ पे वर्शिप करो, अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ वफादार रहो। अब मुझसे भी अच्छे बन सकते हो, मुझसे भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप ले सकते हो, इज्जत ले सकते हो। आपके लिए यही मैसेज है। सो ब्रदर जी, जो अभी जो नौजवान नशे में है या पाप में अंधकार में फंसे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो पाप में फंसे हैं लोग, उनको प्रेयर की ज़रूरत है कि वो प्रेयर करें कि परमेश्वर हमें इन चीज़ों से निकाल। जो माँ बाप को बच्चे धोखा दे रहे हैं, उन्हें ये जांचने की ज़रूरत है, उन्हें ये अपने आप को परखने की ज़रूरत है। और जो भाई बहन अपने भाई बहनों को धोखा दे रहे हैं, जो हस्बैंड वाइफ तक भी मैंने देखा एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, और वो अपने आप को परखें जांचें, तो परमेश्वर उन्हें आज़ाद करेगा। वो चर्च में आए, दुआ सुने, परमेश्वर के रियल दास की दुआ सुने, रिसीव करें, वो भी आज़ाद हो सकते हैं। तो परमेश्वर उनको भी आज़ाद करने की ताकत रखता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं चर्च में आकर, परमेश्वर उन्हें ऐसे ब्लेस किया, उनके बच्चे जिनके माँ बाप इतने गरीब थे, जिनके बच्चों के लिए सुबह खाना होता था शाम को नहीं होता था, चर्च में से हेल्प लगी थी तो चर्च में से खाना जाता था, उनके बच्चे खाते थे, तो उनके बच्चे आज सिटीजन है अमेरिका कनाडा के। तो परमेश्वर ने ऐसे मिसाल खड़ी की हैं, उसे जीवित चर्च कहते हैं, और वो आज़ाद हो सकते हैं, वो आशीषित हो सकते हैं, आज़ादी पा सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। सो ब्रदर जी, जिस तरह हम देखते हैं और हमने सुना भी है कि आप गीत लिखते भी हैं, ये प्रभु ने आपका गिफ्ट दिया है गाने का और लिखने का, अभी हम चाहते हैं कि आप दर्शकों के लिए कुछ सुनाएं। मैंने जितने सॉन्ग लिखे हैं, मैंने कंपोज किए हैं, मैंने कभी अपना नाम नहीं लिया, क्योंकि मेरे स्पिरिचुअल फादर ने भी बहुत सॉन्ग लिखे, गाए, बनाए, खड़े पैर, उन्होंने भी कभी अपना नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने भी अपना नाम नहीं लिया। जब मैं उनकी प्रेयर रिसीव करता हूँ, मदर फादर के वर्ड रिसीव करता हूँ, उन्होंने मेरे को कहा था, सुखविंदर तू इतनी बड़ी चर्च का हिस्सा है, तो इतना तो अच्छा गाता भी है, इतना स्पिरिचुअल भी है, इतना रिश्ता तेरा अच्छा है परमेश्वर के साथ, तो तू क्यों नहीं लिखता सॉन्ग? ये मदर सोनिया ने मेरे को वर्ड दिया था, कहते सुखविंदर तू लिख। तो मैंने कहा मम्मा ठीक है, मैं आपके वर्ड उड़ीकता था। तो मैंने बहुत सॉन्ग लिखे, मैंने कंपोज भी की, बहुत सॉन्ग लिखे मैंने, उनके वर्ड को रिसीव किया तो मैंने सॉन्ग लिखे। स्पिरिचुअल फादर मदर की दुआओं का असर है कि मैं सॉन्ग लिखता हूँ और मैं कंपोज भी करता हूँ तो गाता भी हूँ। तेरा प्यार अनोखा है मेरे खुदा, अति पवित्र और ना कोई धोखा खुदा, तूने ऐसे प्रेम किया जो कोई ना कह सके, तूने वो बलिदान दिया जो कोई ना दे सके। ये सॉन्ग परमेश्वर ने मुझे 2021 में दिया था, और ये भी फादर मदर के वर्ड ही रिसीव किए थे मैंने, तब ये सॉन्ग परमेश्वर ने मुझे दिया था, ये मैंने कंपोज की थी तैयार, और ये मैंने खुद ही लिरिक्स तैयार किए थे, तो बहुत बड़ी बरकत वाला ये सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है ये। सो ब्रदर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत वेलकम है, आपका बहुत हमारे घर में, हमारी लाइफ में वेलकम है, कि मुझे बहुत खुशी है आप परमेश्वर का इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू जैम सी दी।